दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं सन्नू फिर आ गई हूँ आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों आज सुबह के 9:30 हो चुके हैं और मैं अब जा रही हूँ पूजा में। पूजा शुरू हो चुकी है तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और अभी मिस्टर जी की वीडियो कॉल आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा। दक्षिणाम समर्पयामि विशेषार्घ्यम् रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रिलोक्य रक्षक भक्तानाम् अभयं कर्ता त्राता भवभवारुणा द्विमात्रं कृपा सिन्धु शाणमात्र प्रभु वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थ अनेन सफलार्घ्येण वरदोऽस्तु सदा मम भूर्भुवः स्वः। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां प्रसन्ना अर्घ्यं समर्पयामि। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओ काशिकापुरा दिनाथ काल भैरव बजे अवंतिकापुरा दिनाथ इष्ट भैरव बजे ओम भैरव देवताय नमः। जय ध्यान समर्पयामि। महापुराणाय मध्याय ध्यानम समर्पयामि। ओम श्री व्यास गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिनारायणं स्वयं यत् प्राप्त कृपा लोका लोका मुक्ता कृते ग्रहा। ओम श्री व्यास गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ध्याय ध्यानम प्रार्थना पूर्वकं नमस्करामि। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्रह्मणिताय च जगज्जिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पहुंच गए हैं हम हनुमान जी के मंदिर में जो घर पे बनाया रहता है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हनुमान जी की बनाई रहती है। ये है दादी लोग, तो ये देखो ये बच्चा तो हम लोग ये देखो फोटो क्या कैमरा खींच रहे हैं अभी, क्या रेडी हो रखे हैं दादी लोग। देखो नियम के हिसाब से बदलना ही पड़ता है दुनिया के हिसाब से, यानी कि
तो अभी 2 बजे से होगा भागवत शुरू। तो देखो अभी पूरा पंडाल खाली है, बस हम ही हैं। यहाँ पर कीर्तन भजन हो रहा है, ये सब खाते हैं लोग, सभी लोग यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं। हमारा डुबू बीच में नाच रहा है। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, 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 मुझको तेरा सहारा। दिवाकर ज्वलो ज्वलकाय कांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि, देवी नमामि शिरसा जगदादिशक्ति कात्यायनी भगवती गिरिजां च दुर्गां, या हन्ति राक्षसगणान् युधुभद्रकाली शापात् मां भगवती गिरिजाकरालिम्। हर हर महादेव। धर्म के आधार सत्य सनातन सर्वात्मा स्वरूप जगत नंदन परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में हम नमन करते हैं। हे भगवान, रैगांव की पावन भूमि में जिन दिव्य पितरों के निमित्त यह सप्ताह यज्ञ हो रहा है, यह भागवत की गंगा भक्ति रूपी गंगा आज सने सने तीसरे दिन में पहुंच गई है। धन्याम भागवती वार्ता, धन्य है यह भागवत की कथा। तो आइए प्रत्येक दिन कह रहा हूं कथा में, पहले उस परमात्मा को जिसकी हम कथा सुन रहे हैं, उस परमात्मा को अपने मन रूपी मंदिर में बुलाना है। पहले अपने मन में मन रूपी जो मंदिर है वहां आह्वान करना है, हे भगवान हम इस तीर्थ में बैठे हैं, जब तक हम इस पवित्र करने के लिए कुछ क्षणिक प्रभु के नाम का गुणानुवाद, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, राम 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 सेवा
बोले हो राम नाम राम से वहाँ में सीताराम कहिए जाही बीते राखे राम साही बीते रहिए विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए तो फिर मन नहीं पाएगा होगा वाही प्यारे तो श्री राम जी को भाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा सीताराम 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 कहिए जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे महलों में राखे चाहे में वास दे है ये स्त्री है ये पुरुष है इसलिए हमें लज्जा आ गई। भाई था महान बेटा मेरा चला गया जंगल की पिता वापिस आ गया तो महाराज नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीरयते। भगवान नारायण की कृपा जब होती है जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तो याद रखना यह स्थान यह तीर्थ में बैठने का सौभाग्य मिलता है सभी के भाग्य में नहीं है। कहा कि धर्मम भजस्व सततम त्वजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुष अन्यस्त दोष गुण चिंतन मुक्त्वा सेवा कथा वसमहो नितराम पिवत्वम को भज उस परम पिता परमात्मा का चिंतन कर। अरे बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा संत सन्यासी लगे हैं तब से जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंतराम पद आवर्तना जन्म जन्म लग गए एक ही जन्म नहीं जन्म जन्म से लगे हैं उस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए आखिर है क्या चीज उनको दर्शन नहीं हो पाई। का पिता छोड़ धर्मम भज सततम उस संत धर्म को भज गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थ हर समस्या का निदान कहां होगा। महाराज जब सारी समस्या सॉल्व नहीं हुए ना पणजी संगता चले गो कहीं भी यो क्या यो रुपये फैद नहीं हो तब हे भगवती हे इष्ट देवी तब अपने इष्ट को
जब सारी शक्ति समाप्त हो जाती है, सारा बल समाप्त हो जाता है। भवतां कश्चिदात्मनः परितुष्यति शरीरा आत्मा मानसेव वा। हे पराशर नंदन व्यास जी, तुम्हारा ये मुख थोड़ा मलिन जैसा लग रहा है, ऐसा क्यों? तुम्हारी संध्या बंधन दिनचर्या में कोई कमी तो नहीं है? पूजा पाठ में कोई कमी तो नहीं है? क्योंकि जो आपका ये आभा मंडल है, यह कांतिहीन लग रहा है, ऐसा क्यों? तो महाराज व्यास जी ने नारद जी के सामने कह बता दिया कि मैंने इतने 17 पुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, पंचम वेद महाभारत लिख दिया, पर फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, मेरा मन शांत नहीं हुआ। अब यहां पे एक शिक्षक पहले था, जब हम पार करते हैं तो नारदा उवाच, नारद जी बोले व्यास जी को, फिर वहीं पे नीचे आता है श्री नारदो उवाच, श्री लगा दिया। अब नारद जी के अंदर जो बोलने वाले हैं वो भगवान जी, भागवता प्रोतम भगवता प्रोतम भागवतम, जो भगवान ने कहा वो भागवत। तो कल कथा आई थी कि भगवान विष्णु ने ये पहले भागवत किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। और ब्रह्मा ने किसको दिया? अपने पुत्र नारद जी को दिया। आज नारद जी वही भागवत व्यास जी को बता रहे हैं। तो महाराज श्री नारद उवाच, हरे नयस्य चरितं पदं हरे यशो जगत् पवित्रं प्रगृहन्त कश्चिदः यदा यशं तीर्थमु सन्तु मानसा नयत्र हंसान् शिक्षुकः। तत्र भवत् भगवान् व्यास पुत्रो महाराज कहा कि व्यासी, अभी तक आपने अपनी लेखनी में बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ चमत्कार किया, पर तुम्हारे मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि मैं लिख रहा हूं, अभी मैं था। उस ज्ञान का भी क्या करें जो ज्ञान गोविंद के चरणों तक न जुड़े। पणजी कथा सुनो मोन्द म्यो अभी पुण्यो पर जोन के बच, तो रोहणु अभी क्या करें कथा होता घोर परिताप्यमान तदारुदस्वा कलाकुलाक्षी तम सांपयन हक्रीतमाली। द्रौपदी छाती पीटने लगी, हे भगवान क्या इसी चीज के लिए तूने मुझे जीवित रखा था? याद रखना, मां के लिए सबसे बड़ी वेदना है संतान की वेदना, वो सारे दुख को सहन कर सकती है, सारे कष्टों को सहन कर सकती है, पुत्र की पीड़ा पुत्र की वेदना सहन नहीं कर सकती। इसी इस तीर्थ में हमारे ऐसे पुत्र जो असमय हमारे बीच से चले गए, ये तो विधि का विधान है। हम भगवान उन्हीं के निमित्त है, भगवान उनको भी पुण्य की प्राप्ति देना, ये सब उस विधि का विधान है, ये विधि की रेखा है। महाराज द्रौपदी विलाप करने लगी, रोने लगी, एक नहीं दो नहीं तीन 5 पुत्रों को मार दिया, क्या विधि होगी द्रौपदी पे? अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया, कहा हे देवी जिसने तेरे पुत्रों का वध किया है, हरि नाम यही जग के मंगल के आरती, तो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है और ये शांत गीत पावने वाला हर दर्श कराने वाला हर दर्श कराने वाला हर दर्श कराने वाला ये शांत गीत सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख मरनी प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है ृतचलवेगो जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं भवतात्मजं पारयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये प्रपन्ना हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य